press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे CA। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हो गया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया अली खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू और जानेंगे उनकी पर्सनल राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, बहुत सारे एरिया हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी जैसे ओखला वगैरह में, वहां पर भी पुलिस फोर्स उतारना पड़ता है हर हाल में। उसके बाद फिर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उतारना पड़ेगा, क्योंकि देवबंद जमात दारुल उलूम सबसे बड़ा वहीं पर है। और आप समझ लीजिए कि इस बार चिंगारी शाहीनबाग से नहीं उठेगी, इस बार चिंगारी सहारनपुर के दारुल उलूम से उठेगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चिंगारी पाक सर्कस मैदान से जावेद अहमद खान के नेतृत्व में उठेगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी साहिबा ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हालांकि वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुना है, वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो कहीं कि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, जबकि उस जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव पे थी तब तक मेरे हाथ में नोटिफिकेशन था। जब मुझे आ सकता है तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मिल सकता है वो नोटिफिकेशन तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं मिल सकता है। तो वो बोली अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम उसमें सारे कानूनी दावपेच देखेंगे, उसके बाद फिर हम कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि किसी की भी नागरिकता हम जाने नहीं देंगे। भैया पहले समझ तो लो, मुझे लगता है कि अवेसी से लेकर के सब लोगों को पहले कानून को समझने की जरूरत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात कही जा रही है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। अब आती हूँ मैं अवेसी पर, उसके बाद मैं आपका सवाल जरूर लूंगी, क्योंकि जब तक मैं अवेसी को के बारे में क्लियर नहीं हो जाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा अंजू जी, मैंने परसों देखा कि भाई वो जिम गया हुआ था ट्रैक और टी शर्ट पहन करके, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद किसी ने कुछ मतलब प्रैंक किया है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया, वो सच में था क्या? हाँ, रिएक्शन लिया गया कोर्ट के बाहर कि अवेसी साहब तो जिम गए हुए, तो मेरे मुंह से मतलब एकदम इंस्टेंट निकल गया कि क्या शेरवानी और टोपी में गया है जिम। तो वो फिर वो जो बेचारी एंकर थी उसने दिखाया कि नहीं, तो मैंने कहा अरे ये तो गुनाहे अजीम कर दिया इसने, इसकी शेरवानी और टोपी कहाँ गई जिम के अंदर, मतलब लड़कियां जाएं तो कैरेक्टर ढीला, अवेसी ट्रैक टी शर्ट पहने तो रासलीला है, ये तो नहीं चलेगा भाई। एनीवेज, अवेसी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो नहीं मानेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो है कौन, वो है कौन? एक छोटे सी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र का एक टुच्चा सा नेता है जो अपने भड़काव भाषण के द्वारा अपने अपने आप को टीआरपी के में एकदम प्रथम रखने की कोशिश में लगा रहता है। अवेसी है कौन? राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सलार है और पाकिस्तान में मैसेजेस भेजने का आखिरी कबूतर है। नमाज यहाँ पर नहीं होने दिया जा रहा है, अवेसी कबूतर भेजेगा। यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, पाकिस्तान को भेजेगा अवेसी कबूतर। उसके बाद फिर हिंदू जो हैं वहां यहाँ पर मस्जिदें तोड़ रहे हैं, ये मैसेज भेजेगा अवेसी कबूतर। लेकिन पूरी बातों का पुष्टिकरण नहीं करता है, वो फिर मुझे करना पड़ता है बैठ करके पाकिस्तानी चैनल पर, सारे सत्य के आधार को मुझे खोलना पड़ता है। और आप यकीन माने कि मेरे फोन में कम से कम 20-25 मिस कॉल है पाकिस्तानी चैनल का कि अवेसी साहब ने ये बात कहा है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मानेंगे नहीं, पर मैं इसको कल रात में, कल जो है मैं आज मैं मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, मैं कल पाकिस्तानियों को समझाऊंगी भारत का कानून कि अवेसी कितना बड़ा झूठा लुच्चा है। और अवेसी ने तो ये भी कहा कि सड़कों पर उतर जाइए, आपको घरों में नहीं बैठना है, आप बाहर उतरिए, सड़कों पर आइए। देखिए अवेसी पहले अंजू जी तय कर ले, पहले वो बोला कि नौजवानों, मुसलमान नौजवानों मस्जिद जाओ, मस्जिद नहीं जाकर के रोड पर चला गया नमाज पढ़ने के लिए। अवेसी ने कहा एक मस्जिद छीन ली गई है और भी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमान नौजवानों हैया अलल सला की सदाएं, हैया अलल कला की सदाएं सुनकर मस्जिद जाओ। मुसलमान लौंडा कहा जा रहा है पब बार डिस्को क्लब,
अब देखिए आप सोचिए कि अवेसी मैं मजबूर हो जा रही हूँ इसमें एक बात एडिशन करने में, इमाम बुखारी का बेटा इमाम बना, उसको ताजबाज पहनाया गया, ठीक है, उस और हिंदू लड़की से शादी किया। ऐसे तो भले अवेसी आपको काफिर बोल देगा, लेकिन जिस हिंदू माँ के कोक से इमाम बुखारी का पोता पैदा हुआ है, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि खून से सींचती है माँ बच्चे को अपनी कोक में। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि आप भी बच्चों की माँ है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूं, हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 9 महीना हमको पीरियड्स नहीं होता है, तो हम उस खून से सींचते हैं बच्चे को, हम वो अपनी पानी से, अपने खून से, अपने खाने से उसको बड़ा करते हैं। तो ये हिंदू माँ के कोक में आया था ये बच्चा, और हिंदू माँ के खून से सिंचाया है सनातनी माँ के, और कल को ये मुसलमानों का इमाम बनेगा और मुसलमान इसको नबी बोलेंगे, लेकिन आप काफिर हैं, आप काफिर हैं। तो अवेसी जैसा अपंग और बावला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, और अवेसी को बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदुओं को इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है। हर एक जगह से हिंदुओं को बुला करके, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुओं को बुला करके यहाँ पर इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया जा रहा है। आपको एक चीज अंजू जी समझना पड़ेगा कि अवेसी कभी नहीं चाहता है कि हिंदुओं को इज्जत मिले। जब हिंदू पाकिस्तान में अत्याचारित होते हैं, जब वो चीखते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो दर्द में होते हैं, तो अवेसी और अवेसी जैसे लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपको क्या लगता है कि जब आफताब श्रद्धा की बोटियां किया था तो अवेसी ने क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई थी कि अच्छा वह हिंदू लड़की का बोटी कर दिया। आप सोचिए जब कन्हैया का गला रेता गया तब वो क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई अवेसी को कि अच्छा वह एकदम रेत करके काटा है। जब लारैब हाशमी ने मासूम बस एक गरीब बस कंडक्टर का गला रेता तो क्यों नहीं अवेसी ने कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी होती है। तकरीबन लाखों लड़कियां लव जिहाद के नाम पर बलि चढ़ी हैं और मुसलमान लौंडों ने उनको सेक्सुअली यूज किया है और उसके बाद उनका मर्डर भी किया है, पर अवेसी ने एक लफ्ज कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोला, ना विक्टिम की सहानुभूति के लिए कुछ बोला और ना उन मुसलमान लफंदर और बेहुदा मर्दों के खिलाफ कुछ बोला। क्योंकि अवेसी और अवेसी जैसे लोग अंदर से खुश होते हैं जब हिंदू के आंखों में आंसू होता है, जब हिंदू तड़पते हैं, जब वो अंदर से खून के आंसू रोते हैं, जब वो कलपते हैं ना हिंदू, तो वैसे वैसे अवेसी को खुशी महसूस होती है, बुखारी को खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये अपने मजहब की किताब में ये पढ़ते हैं कि हिंदुओं को तड़पा कर मारो, हिंदुओं को कलपा कर मारो, उन जब वो मरे तो उनकी आंखें पत्थर की पत्थर बनकर रह जाए, ऐसे मारो, ये उन्होंने अपने मजहब की किताब में पढ़ा। और इसी तरीके से ऑर्गन निकाल करके पाकिस्तान में हिंदुओं का ट्रैफिकिंग किया गया है, ऑर्गन बेचा गया है, हिंदू बेटियों का फेफड़ा नदी नाले में और गटर में मिला है। पहले बलात्कार करता है पाकिस्तान में और उसके बाद फिर उनको काट कूट करके गटर और नाला में फेंकता है। ये देखिए देखिए जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है ये हमसे भारत के बारे में बात करते हैं लेकिन मियाँ मिट्ठू के बारे में कभी नहीं बात करते। कौन है मियाँ मिट्ठू? मियाँ मिट्ठू वो शैतान है जो पाकिस्तान के पूरे माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। मियाँ मिट्ठू वो शैतान है जो पुलिस और आर्मी की मदद से पाकिस्तान की 5 साल की बच्ची को भी 55 साल 60 साल के बूढ़े के गोद में देता है कि और अपने आंख के सामने रेप करवाता है, इंटरकोर्स करवाता है अपने आंख के सामने, ये वो है मियाँ मिट्ठू। तो राजोकार की फौज का सिपा सालार कैसा सोचेगा? मियाँ मिट्ठू जैसा ही तो सोचेगा ना। अवेसी कैसा सोचेगा? मियाँ मिट्ठू ही तो जैसा सोचेगा और कैसा सोचेगा। लेकिन देखिए चाहे जो भी हो जाए अंजू जी, सीए तो अब हो गया। तो
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की सीए के बारे में बल्कि इसी मुद्दे पे ओवैसी को और बाकी मजहब के ठेकेदारों को भी उधेड़ दिया और खासकर पाकिस्तान को भी लपेटे में ले लिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और ऐसी दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।